यहाँ से है त्र्यंबकेश्वर मंदिर आगे, उसके आगे से निकलना है। देखो भाई साहब, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। लाइफ का इस टाइप का पहला ट्रैकिंग है। इस तरीके से ट्रैकिंग के लिए लाठी लेने ताकि ऊपर में आपको ट्रैकिंग में चढ़ने में इशू ना हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मगिरी 3.6 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी कड़े जानारा रास्ता, वहाँ पीक पॉइंट पे चलना अपने को। चलो बजरंग बली की, बहुत मजे है भाई। यहाँ पे चार्जिंग इशू हो रहा है, चार्ज बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है। चढ़ने में काफी तकलीफ हो रहा है यहाँ। तो फाइनली पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा हवा चल रहा है। तो अपन अब रूम को छोड़ रहे हैं जिस रूम में स्टे किए थे। सो अब चलते हैं अपन, और ट्रैकिंग के लिए अपन शू भी पहन लिए हैं। सो आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले ये देखो, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो यहीं ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं अपन अभी। और बाहर का मौसम देखो भाई साहब, बहुत ही सुंदर है। अभी धूप खिला था थोड़ा सा, फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो फिर चलते हैं। ग्राम सबसे पहले अपना सामान गाड़ी में डालते हैं। ये बैग को भी डालो, डालना जल्दी करो, बारिश हो रही है। आते हैं तो यूज एंड थ्रो वाला रेनकोट ले सकते हैं। देखिए इस टाइप से है, ये आपको 100-150 रुपये मिल जाएगा। आप लोग को दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से है ये। ऐसा है ये, तो आप लोग आए तो आपको सजेस्ट करूँगा इस तरीके से यूज एंड थ्रो वाला रेनकोट खरीद के आप यूज़ करें। तो अपन ट्रैक पे जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पोहा, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि खाली पेट जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे ऊपर से नीचे आने में। ये रहा होटल जहाँ अपन स्टे किए थे, और यहीं पे गाड़ी को पार्क कर दिए। अब ट्रैकिंग पे आगे जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से है त्र्यंबकेश्वर मंदिर आगे, उसके आगे से निकलना है। और ये हमारे बॉयस रेडी हो चुके हैं ट्रैकिंग के लिए। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। अभी हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए लाइव दर्शन कर लीजिए आज आप लोग भी त्र्यंबकेश्वर महादेव के। और ये रहा एंट्री गेट, आप लोग को सामने से एक बार एंट्री गेट दिखा देता हूँ। ये रहा एंट्री गेट। ओम नमः शिवाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का। यहाँ पे 2-3 जगह इस तरीके से डिस्प्ले में चल रहा है लाइट। सो यहाँ पे पता करते हैं किधर से जाना है। तो यहाँ मंदिर से सीधा स्ट्रेट आने के बाद यहाँ पे एक मंदिर पड़ेगा, और यहाँ पे है श्री गंगा गोदावरी मंदिर। सो अपने को यहाँ से इधर सीधा राइट में चलना है, और लगातार कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही है। लाइफ का इस टाइप का पहला ट्रैकिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ मैं अभी फिलहाल। चलते हैं, और यहाँ से तो दिखाई दे रहा है भाई साहब। ये अपने साथ में है बडीस। हेलो बडीस, सब अपने में मगन है। जो रेनकोट लियो, इन लोग को येलोइश मिल गया, और मेरे को पूरा ट्रांसपेरेंट वाला रेनकोट मिल गया। और अगर आप पैदल नहीं आना चाहते तो वहीं चौक से ऑटो वगैरह मिल जाएगा। हम लोग पूछे तो 4 लोग का 100 रुपीज़ में छोड़ देंगे बोले, लेकिन पास ही है तो अपन पैदल ही चले आ रहे हैं। सो ये अपन ट्रैकिंग पॉइंट के पास पहुँचने ही वाले हैं, और यहाँ से भाई साहब दिखाई दे रहे हैं पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत का नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और पूरे पहाड़ के ऊपर पूरा धुंध छाया हुआ है। अगर ऊपर चढ़ने के बाद धूप खिलती है तो जो सिटी का व्यू है और पूरे आसपास का व्यू है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से बारिश होती रही तो कुछ इस तरीके से रहेगा ऊपर का माहौल, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है ब्रह्मगिरी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से सीधा ब्रह्मगिरी के लिए चढ़ना, और ये जाता है गंगा द्वार के लिए। तो वैसे ब्रह्मगिरी होते हुए गंगा द्वार के लिए आएंगे, और यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए इस तरीके से लाठी भी मिलता है। तो चलिए लाठी लेते हैं अपन। इस तरीके से ट्रैकिंग
ट्रैकिंग के लिए लाके दे दें ताकि ऊपर में आपको ट्रैकिंग में चढ़ने में इशू ना हो, तो मैं इसको परचेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से घाट दिखना चालू हो गया है, तो अपने ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो चलिए कंटिन्यू रहिए आप। लगभग अपन ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए ब्रह्मगिरी के लिए यहाँ से राइट लेना है और यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई साहब ब्रह्मगिरी, पूरा पर्वत दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है और अपने को वहाँ पे पीक पे चलना है, वो तो धुंध के कारण दिखाई ही नहीं दे रहा है। ब्रो लेट्स गो। इसके कारण थोड़ा सा ब्लरिश दिखाई दे रहा होगा वीडियो, और ये देखो पूरा ट्रैक का यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, कहाँ पे कैसा है, कैसे चढ़ना है, और इधर देखो भाई साहब नज़ारे, आप लोग को थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई साहब ऑसम, फुल्ली ऑसम है भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मगिरी 3.6 किलोमीटर, सो 3.5 किलोमीटर के आसपास है, और चलिए अब चलते हैं और कई नज़ारे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब इधर से। तो यहाँ पर्वत में चढ़ने से पहले ही टिकट काउंटर है, यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे, तो चलिए टिकट परचेस करते हैं। तो ये हमारा ग्रुप टिकट है 4 लोग का, और अपना टिकट परचेस हो चुका है ब्रह्मगिरी का, तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे बीच बीच पे ऐसा रेस्ट करने के लिए बना हुआ है छांव, और अगर आप लोग भुट्टा वगैरह खाना चाहें या कुछ भी खाने पीने का पानी बॉटल वगैरह लेना चाहें तो सारा चीज़ बीच बीच में पूरे ट्रैकिंग पॉइंट पे अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मज़ा है भाई, और यहाँ से पीछे व्यू देखो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सो ये पूरा ट्रैकिंग वाला रास्ता पूरा जंगली है, सो यहाँ पे कई जगह सतर्कता बताया गया है, यहाँ पे जैसे कि ये कोल्हा नाम का जानवर है ये मिल सकता है, जंगल होने के कारण जंगली जानवर मिल ही सकते हैं, तो अपना ट्रैकिंग करते वक्त सतर्कता बरतें ताकि आप लोग सेफली चढ़ें और उतर पाएँ। और अभी तक जो ट्रैकिंग कर रहे हैं उसमें तो पूरा सीढ़ी ही बना हुआ है, आगे देखते हैं किस टाइप से और एडवेंचर भरा ये ट्रैकिंग है। लगभग हम लोग को अभी ट्रैकिंग करते हुए 1 घंटा हो गया करीब करीब, और 1 से 1.5 घंटा का ट्रैकिंग अभी बाकी ही है, लगभग 2.5 से 3 घंटा लगता है, वो आपके ट्रैकिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते हुए, ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं ले रहे हैं, इस कारण अपना ट्रैकिंग जल्दी कवर हो रहा है। सो यहाँ पे बीच में है मुक्ता देवी मंदिर, ये देखिए ये रहा मंदिर, जय माता रानी, ब्रह्मगिरी कड़े जानारा रास्ता। ये देखो यहाँ से भाई साहब वो जो फॉल है वाटरफॉल वो दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू, और उधर ही अपन अभी चढ़ने वाले, अभी आधे रास्ते चढ़ चुके हैं अपन, और ये देखो चारों तरफ धुंध दिखाई दे रहा है, पूरा आधे रास्ते चढ़ चुके हैं अब। इस बीच में कुछ भी व्यू पॉइंट दिखेगा तो आप लोग को मैं वीडियो में कंटिन्यू दिखाते रहूँगा। यहाँ से भाई साहब खड़ी चढ़ान चालू हो चुका है और वहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, सो चलो जल्दी चलते हैं। अभी तक के चढ़ाई चढ़ते आए हैं, इसके मुकाबले भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनल ब्रह्मगिरी पर्वत से ट्रैकिंग चालू होता है, ऊपर देखो एक बार, अपना ओरिजिनल ट्रैकिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो भाई साहब व्यू ऊपर का, और इधर देखो, तो चलो वहाँ पीक पॉइंट पे चलना है अपने को,
चलो। ये देखो कैसा ट्रैकिंग है, तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होता है ऐसे। हाय, चलो अब चढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो जो दिख रहा था वही है क्या? नहीं, कोई समझ जो बड़ी होते हैं ना, उसका उगम काफी वो देखने को मिलेगा। थैंक यू भैया। तो भैया ने अपने को कुछ जानकारी दी है जो ऊपर से आ चुके हैं। तो दोस्तों ऊपर से जो लोग आ रहे हैं उससे कुछ कुछ जानकारी लेते जा रहे हैं, और अभी लगभग एक घंटे का ट्रैकिंग और है। और भाई साहब व्यू की बात करें तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे है बजरंग बली। चलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली ओरिजिनल ट्रैकिंग भाई साहब। लगातार पानी गिर रहा ऊपर से, बहुत मजे है भाई, बहुत मजे है। चलो थकान भी काफी लग रहा है। और इधर तो पूरे धुंध के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसा है भाई साहब ट्रैकिंग। यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी चढ़ान है और थोड़ा सा क्राउड है, इस कारण चढ़ने में इशू हो रहा है बारिश भी होने के कारण। और ऐसा है भाई साहब, दोनों तरफ पत्थरों के बीच से रास्ता बनाया है। औसम है भाई। यहाँ पे थोड़ा वाइड जगह है तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ान था अभी लगभग 200 मीटर के आसपास। लगातार बारिश हो गई, बारिश में भी रुक गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और पीक देख सकते हैं। और ये था कहाँ जाना है अपने को, और इधर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी औसम यहाँ पे व्यू आ रहा है, बहुत ही औसम। ये देखो भाई साहब, यहाँ से देखो नज़ारे, औसम है। तो रेस्ट पॉइंट से लगभग 20 मीटर आगे आने के बाद ये देखो पत्थर को काट के इस तरीके से गुफा जैसा बनाया गया है, और वहाँ पे है सीढ़ी। तो चलो यहाँ भी चलते हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ से भी कंटिन्यू पानी आ रहा है। ये देखो सीढ़ियों से लगातार पानी आ रहा है। अपन फर्स्ट पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे और चलना है, बट ये फर्स्ट पीक पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पीक में चलेंगे जो हाँ सबसे हाइट पे है। और ये रहा हमारा ग्रुप। तो उस तरफ से ट्रैकिंग करते हुए आए, पूरे पहाड़ में घूमते फिरते इधर से ऐसे,
और यहाँ पे आए हैं। अब इधर ऐसे यहाँ से आगे चलेंगे और पूरा धुंध दिखाई दे रहा है और पूरा भाई साहब पैसा वसूल नज़ारा है यहाँ पे, पैसा वसूल नज़ारा। देखो थोड़ा सा धुंध हटा तो नीचे का व्यू दिखाई दे रहा है और काफ़ी तेज हवा चल रहा है यहाँ पे, ये देखो बहुत ही। सो भाई साहब बहुत ही मज़े हैं और यहाँ पे ऊपर में शिवलिंग स्थापित है और नंदी महादेव भी है, ये देखिए। तो अगर आप लोग यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत नहीं आए हैं और त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बिल्कुल यहाँ आए। अगर सेफ्टी से आते हैं तो कोई ख़तरा नहीं है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है हरिहर फोर्ट, वहाँ के मुकाबले ये ख़तरा नहीं है। तो बारिश हो रही है नहीं भी हो रही है तो भी आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ अगर आप लोग कुछ खाने वाने का या फिर मोबाइल वगैरह लेके सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बंदरों से आप लोग को बच के रहना है क्योंकि वो लोग हाथ से छीन के ले जाते हैं। और यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स हैं छोटे छोटे और अभी पीक पॉइंट पर भी वाटरफॉल है तो वहाँ आप लोग को आगे चल के मैं दिखाता हूँ। अपन लोग ये वाले व्यू पॉइंट पर भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, इसके बाद अब अपना ट्रैकिंग और आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। तो ये पीक पॉइंट की तरफ चल चुके हैं, ये थोड़ा बारिश के कारण कैमरा ब्लरिज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और इधर से पूरा व्यू है, अभी नीचे अपन रुके थे काफ़ी देर तक और ये अपना दूसरा ट्रैक इधर से स्टार्ट होता है और बारिश फिर स्टार्ट हो चुका है। मेरा जूता पूरा गंदा हो चुका है कीचड़ कीचड़, तो धो लेता हूँ अब आगे चलता हूँ। ये देखो भाई साहब, और अभी समय की बात करूँ तो लगभग 10:30-11 बजने वाले हैं और इधर तो भाई साहब ट्रैक ही दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा धुंध है। तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैकिंग और वीडियो को थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग इशू हो रहा है, चार्ज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है क्योंकि नेटवर्क वीक है, इस कारण से चार्ज जल्दी ख़त्म हो रहा है। अभी फ्लैट मोड पर डालता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं। लगातार बारिश हो रही है और कुछ ऐसा ट्रैकिंग वाला रास्ता है अपना, ये देखो। सो ये एक शॉर्टकट है तो शॉर्टकट हमेशा गंदा होता है, सो अपन सीढ़ी की तरफ से चलते हैं क्योंकि काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है बारिश होने के कारण। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कैसा है ट्रैक, सीढ़ी नहीं है यहाँ पे। सो इस तरफ से चलते हैं अपन। जाना कहाँ से, चलो चलो इधर ही जाएंगे। चढ़ने में काफ़ी तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरा फिसलन भरा हुआ है। ये फिर से मिल गया अपने को पत्थर वाला रास्ता, इसमें चढ़ने में आसानी होता है और लगातार बारिश हो ही रही है। कितना दूर है और पीक पॉइंट, कितना दूर है पीक पॉइंट? 5-15 मिनट। ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट, ठीक है थैंक यू। सो 15-20 मिनट तो और है अपना ट्रैकिंग, फिर एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। भाई साहब पूरा एडवेंचर करना है और ऐसे नज़ारे देखने हैं तो यहाँ आपको आना पड़ेगा। अगर आप नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आते हैं तो इसको मिस ना करें और बारिश ना हो तो हरिहर फोर्ट भी जा सकते हैं। पीक पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे मैगी मिली है अपने को गर्मा गर्म, तो मैगी खाते हैं उसके बाद आगे आप लोग को ट्रैकिंग पे ले चलते हैं। अपन मैगी खा लिए हैं और यहाँ पे आग जल रही है, थोड़ा सा आग सेक लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखो भाई साहब तो यहाँ पे पीक पॉइंट पे ये छोटा सा एक होटल जैसा है जहाँ पे चिप्स मैगी वगैरह मिल जाएगा और ठंड लगे तो आग सेकने के लिए यहाँ पे आग भी है। सो अब चलो चलते हैं उधर, नज़ारे देखते हैं। मैगी खा ली हैं, चाय भी पी ली हैं
अब चलते हैं ऊपर, और यहाँ ऊपर चढ़ते ही आप लोगों को नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है चढ़ने में, और ये भाई फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ पीक पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई साहब नज़ारे, पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा हवा चल रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हवा का स्पीड इतना ज़्यादा है कि खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, ठीक नहीं पा रहे हैं हवा के सामने, इतना ज़्यादा यहाँ पे हवा का गति बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो मैं बैठ गया हूँ, ये देखो आप लोग जो व्यू देख रहे थे वो इस तरफ का है, और फिर उधर से थोड़ा आगे है तो इधर आगे एक वाटरफॉल है, उसको भी देखते हैं। चलो आगे चल के आप लोग को दिखाता हूँ। ऐसे ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा यहाँ से इधर से। यहाँ पे ट्रैक थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे बेरियल वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आराम से उतरना पड़ेगा, काफ़ी रिस्की है यहाँ पर। बट है भाई शानदार शानदार प्लेस है ये, थोड़ा सा रिस्की है बट बहुत ही शानदार प्लेस है। चलो ये देखो, अब ट्रैक को देखो कैसा है, इसी तरीके से है, उधर से भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है कुछ, ये फाइनली अपन आ चुके हैं नीचे, काफ़ी नीचे आ चुके हैं वहाँ से हम लोग। ये देखिए वहाँ से नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे हवा का फ्लो भी कम है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत का ये एक और हिडन प्लेसेस है, अधिकतर लोग इधर को जानते नहीं हैं। ये देखो यहाँ जो वाटरफॉल है ना, वो ये देखो उल्टा चल रहे हैं, हवा का यहाँ पे स्पीड इतना है कि पानी जो कि ऊपर जा रहा है। एक आप लोग को मैं डंडा फेंक के दिखाता हूँ, ये देखो हवा का प्रभाव, हट जाओ। ये देखो हवा नहीं चल रही है, ये देखो वापस आ गया। सो देखो हवा का यहाँ पे इतना ज्यादा तेज दबाव है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा का तेज दबाव है, और ये देखो धुंध आ गया, फिर दिखना बंद हो गया नीचे। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है गोदावरी उगव, मतलब गोदावरी का उद्गम स्थल यहीं से है। ये देखो चल के चलिए दर्शन करते हैं। सो
ये देख सकते हैं, यहाँ से गोदावरी मैया का उद्गम स्थल है और यहीं से निकलती है आगे जाके और ये नदी के रूप में धारण करता है ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा मंदिर जैसा बनाया गया है। तो ये ब्रह्मगिरी मंदिर का मुख्य दर्शन कर लिए, उधर गोदावरी का उद्गम स्थल का दर्शन कर लिए। सो अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग अब यहीं पे एंड होता है। आप लोग को सारा चीज़ घुमा दिया, सारा चीज़ आप लोग को दिखला दिया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इसी तरीके के फिर से एक नए वीडियो के साथ।